हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर में पौरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी के मंदिर के बारे में। जो मंदिर अति प्राचीन है, इसे देश के 51 शक्ति पीठों में शुमार किया जाता है। जिले के भगवानपुर प्रखंड के पौरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी के मंदिर में पूजा आदि काल से होती आ रही है। रक्तविहीन बलि यहां की विशेषता है। कहते हैं कि मुगल काल में बादशाह औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश विफल रही थी। दोस्तों, सबसे खास बात है कि इस मंदिर को दुनिया का सबसे पुराना कार्यात्मक मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहां बिना रुके सारे अनुष्ठान पूरे होते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में मां मुंडेश्वरी की पूजा अर्चना होती है, लेकिन शारदीय व वासंतिक नवरात्र में मां मुंडेश्वरी की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। 9 दिन कलश स्थापना कर पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा होती है। इसी दौरान अष्टमी के रात में निशा पूजा का प्रावधान है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ जाता है। मित्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर 108 ईस्वी में बनाया गया था और 1915 के बाद से एक संरक्षित स्मारक है। मुंडेश्वरी मंदिर नागर शैली वास्तुकला में बने मंदिरों का सबसे पुराना प्रतिरूप है। रामनवमी और शिवरात्रि का त्योहार मुंडेश्वरी मंदिर का विशेष आकर्षण केंद्र है। कहते हैं कि औरंगजेब के शासन काल में इस मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया गया। मजदूरों को मंदिर तोड़ने के काम में भी लगाया गया, लेकिन इस काम में लगे मजदूरों के साथ अनहोनी होने लगी। तब वे काम छोड़कर भाग गए। भग्न मूर्तियां इस घटना की गवाही देती हैं। तब से इस मंदिर की चर्चा होने लगी। यह देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में शुमार होता है। मित्रों, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ रक्तविहीन बलि होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद कोई श्रद्धालु चढ़ावे में खसी चढ़ाता है। पुजारी द्वारा बकरे को मां मुंडेश्वरी के चरण में रखा जाता है। मां के चरण में अक्षत का स्पर्श करा पुजारी उस अक्षत को बकरे पर फेंकता है। अक्षत फेंकते ही बकरा अचेता अवस्था में मां के चरण में गिर जाता है। कहते हैं कि कुछ क्षण के बाद पुनः पुजारी द्वारा अक्षत को मां के चरण से स्पर्श करा बकरे पर फेंका जाता है और अक्षत फेंकते ही तुरंत बकरा अपने मूल अवस्था में आ जाता है। इस रक्तविहीन बलि को देखकर उपस्थित श्रद्धालु सिर्फ मां का जयकारा ही लगाते हैं। यहां के प्रधान पुजारी कहते हैं कि यहां नवरात्रि में हर साल श्रद्धालुओं की काफी भीड़ हुई। शारदीय नवरात्र में मां की पूजा व दर्शन का काफी महत्व है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि कैमूर जिले के ही नहीं, अन्य जिलों व प्रांतों के श्रद्धालु मां के दर्शन को आते हैं। मां दयालु है, अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती है। यहां नियमित आने वाले भक्त कहते हैं कि मां मुंडेश्वरी भक्तों की मुरादें पूरी करती है। इस मंदिर से पड़ोसी यूपी के लोगों की भी भावनाएं जुड़ी हैं और वो भी यहां पहुंचते हैं। यहां आने पर असीम शांति का अनुभव होता है। रक्तहीन बलि प्रथा के कारण यहां के प्रति लोगों में विशेष आकर्षण रहता है। सदियों से चली आ रही है रक्तहीन बलि की प्रथा। यहां के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास ऐसा है कि इसके बारे में कोई सही सही जानकारी नहीं दे पाएगा। अभी सिर्फ पहाड़ी पर मंदिर का गर्भगृह है, जबकि पहले कभी यहां चारों तरफ मंदिर बने थे। बड़ा स्ट्रक्चर था, इसे मुगल शासकों ने तोड़ा था। इसके अवशेष आज भी यहीं पड़े हैं। मान्यता के अनुसार यहां चंड और मुंड नाम के दो असुर रहा करते थे। ये लोगों को प्रताड़ित करते थे, जिनकी पुकार सुन माँ धरती पर आई और दोनों असुरों का वध किया। माता ने सबसे पहले चंड का वध किया। यह देख मुंड माँ से युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी पर छिप गया, पर देवी माँ ने इसे पहाड़ी पर पहुंचकर मुंड का भी वध कर दिया। इसी के बाद से यह जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।